बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले टेस्ट मैच से ठीक पहले पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी हो गए हैं बाहर। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। पाकिस्तान की टीम इन दिनों बांग्लादेश के दौरे पर है। दोनों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुक्रवार से शुरू हो रही है। पहले टेस्ट मैच के लिए बाबर आजम के नेतृत्व वाली 12 सदस्यीय खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इनमें से 11 खिलाड़ी कल उतरेंगे। इससे पहले पाकिस्तान ने T20 सीरीज पर 3-0 से क्लीन स्वीप किया था, लेकिन दो मैच में बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने जोरदार संघर्ष किया था। ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक बार फिर लड़ाई देखने को मिल सकती है। T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी। उसने सभी 6 मैच में उसने एक भी प्लेइंग 11 में बदलाव नहीं किया था। लेकिन पहले टेस्ट मैच के लिए चुने गए 12 खिलाड़ियों की बात करें तो वर्ल्ड कप खेलने वाले सिर्फ 4 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं, यानी 7 खिलाड़ी बाहर हो गए हैं। बाबर आजम के अलावा मोहम्मद रिजवान भी टीम में शामिल हैं। बाबर और रिजवान ने T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था। तेज गेंदबाज हसन अली और शाहिन शाह अफरीदी को भी टेस्ट में जगह मिली है। हसन अली सेमीफाइनल में कैच छोड़ने के बाद काफी ट्रोल किए गए थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड का कैच छोड़ दिया था। इसके बाद वेड ने अफरीदी के एक ओवर में 3 छक्के लगाकर टीम को रोमांचक जीत दिलाई थी। ऑस्ट्रेलिया ने बाद में T20 वर्ल्ड कप का खिताब भी जीता था। पाकिस्तान की टीम अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3रे नंबर पर है। दूसरी ओर बांग्लादेश की टीम ने अब तक एक भी मुकाबला नहीं खेला है। टीम के दिग्गज खिलाड़ी चोट के कारण पहले टेस्ट नहीं खेल रहे हैं। वे T20 वर्ल्ड कप के अंतिम मुकाबलों में भी नहीं उतरे थे। तो दोस्तों, आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।